हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों मैं संजय आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों एक नई खुशखबरी आई है, राजस्थान में वैकेंसी आ गई है। जो पहले रेट हुआ था अब उसके जस्ट बाद उन्होंने सुपरटेट कर दिया है। पहले क्या होता था कि पहले राजस्थान का रेट होने के बाद जो रेट होता था पहले एक होता था उसके बाद उसकी मेरिट लग जाती थी, लेकिन पिछली बार जो रेट हुआ उसके बाद उन्होंने सुपरटेट कर दिया और रात उन्होंने वैकेंसी अनाउंसमेंट की है और उनका सिलेबस। तो वैकेंसी जो अनाउंसमेंट की दोस्तों उन्होंने दो तरीके से किए हैं। अब उन्होंने जो वैकेंसी अनाउंसमेंट की है दोस्तों, वो टोटल वैकेंसी उन्होंने अनाउंसमेंट की है 48,000। यानी राजस्थान में जो रात वैकेंसियों का अनाउंसमेंट हुआ है और जिसकी डेट एग्जामिनेशन फॉर्म जो प्रारंभ हो रही है वो 21/12 से हो रही है। यानी जो हमारी आज कितनी 15 है, यानी 6 दिन बाद इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और वो कब तक चलेंगे, 19/1/2023 तक चलेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है। यानी राजस्थान में जो कल एक खुशखबरी दी गई है वो 48,000 वैकेंसी की दी गई है, लेकिन 48,000 वैकेंसी लेवल 1 और लेवल 2 होती है, जो हमारे यूपी में बोलते हैं प्राइमरी और जूनियर। अब प्राइमरी में उसने किसनी दी है, कितनी दी है, तो प्राइमरी में उन्होंने दिया 21,000 और जूनियर में कितनी दी है दोस्तों, तो जूनियर में दी उन्होंने 27,000। यानी प्राइमरी में कितनी हमारी 21,000, जूनियर में कितनी है 27, टोटल कितनी है 48। अब जो मैं आपको आज आपको जो प्राइमरी का जो सिलेबस है, अब प्राइमरी का जो सिलेबस है दोस्तों आपको चेंज कर दिया है। यानी राजस्थान में उन्होंने 300 नंबर का सिलेबस कर दिया है, 300 अंक का होगा लेकिन क्वेश्चन 150 ही आएंगे, लेकिन वो एक क्वेश्चन वो 2 अंक का कह रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर रेट 2022 और 2023 का सिलेबस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्राइमरी लेवल का डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी प्राथमिक स्तर का जो 1-5 जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट को आपको क्लियर तरीके से बताएंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि प्रारंभ वो 21/12 से करवा रहा है लेकिन एग्जाम डेट वो फरवरी में दे रहा है। एग्जाम डेट कब की हमारी, यानी 25 से स्टार्ट होगा और 28 फरवरी 2023 तक एग्जाम हो जाएगा। फॉर्म 4 दिन या 5 दिन बाद होंगे, 21 तारीख से फॉर्म चलेंगे और 19/1/2023 तक फॉर्म चलेंगे। अब कुल प्रश्न कितने आ रहे हैं दोस्तों हमारे यहां पर ये देखने हैं, तो कुल प्रश्न दोस्तों हमारे आ रहे हैं 150। कुल प्रश्न कितने आ रहे हैं हमारे 150 और कुल अंक कितने हमारे 300। यानी एक जो क्वेश्चन है वो कितने अंक का है, 2 अंक का है, लेकिन समय कितना उन्होंने बताया, तो 2 घंटा 30 मिनट। यानी आपको 150 क्वेश्चन कितने घंटे में करने, 2.5 घंटे में करने। लेकिन यहां पर सबसे मेन बात नकारात्मक अंक भी है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है। अभी मैंने कुछ दिन पहले केवीएस का सिलेबस डाला था, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन राजस्थान के में उन्होंने 1/3 की नेगेटिव मार्किंग की है। यानी 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब इधर देखते हैं, अब वो ये पूछेगा कि यूनिट कितनी आ रही है, तो आपको दोस्तों 6 यूनिट बतानी है। यानी हम सिलेबस जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्राथमिक स्तर का यानी लेवल 1 का डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें कौन कितनी यूनिट आ रही है, 6 यूनिट आ रही है। अब 6 यूनिट में सबसे पहली यूनिट जो आ रही है वो है राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। यानी ऑल ओवर जो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए वो राजस्थान की होनी चाहिए और वो कितने नंबर की दे रहा है, 100 नंबर की दे रहा है। यानी कुल जो प्रश्न आएंगे यहाँ पर 50 आएंगे और कितने अंक के होंगे, 100 नंबर के। यानी राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक और राजस्थानी जो भाषा होती है वो कितने अंक की हमारी, 100 अंक की। अब इसमें कौन कौन से आ रहा है, राजस्थान का भौगोल शुरू पढ़ना है, मानसून पढ़नी है, जलवायु पढ़नी है, वन संपदा, मृदा, फसलें, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल, यातायात साधन, प्राचीन सभ्यताएं, स्थापत्य कला, चित्रकला, आभूषण, राजस्थानी भाषा, बोली, संत साहित्य, लोक साहित्य और राजस्थानी चित्रकार यानी राजस्थानी साहित्यकार और हवेली, जो कुछ भी है। यानी पहली यूनिट उन्होंने राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा रखा है, जिसको कितने नंबर की रखा है, 100 नंबर की रखा है। प्रश्न कितने आएंगे, 50 आएंगे और इस 50 प्रश्न उन्होंने रखा है भौगोलिक स्वरूप, मानसून, जलवायु, वन संपदा, मृदा, फसलें, ये सब कुछ रखा। उसके बाद दूसरी यूनिट जो रखी उन्होंने दोस्तों वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य और RT 2009। पहली यूनिट में उसने कितने नंबर का रखा है, 100 नंबर का, कितने प्रश्न दे रहा, 50। सेकंड यूनिट जो उसने रखी है राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य और RT 2009। अब ये जो सेकंड यूनिट आ रही है दोस्तों वो कितने नंबर की आ रही है, 80 नंबर की आ रही है, प्रश्न कितने आएंगे, 40। अब इसमें से उन्होंने क्या रखा, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ने हैं, अनुसंधान केंद्र पढ़ने हैं, विद्यालय प्रवर्धन। अब यहां पर जो चीज है दोस्तों
ये वाला जो सुपर टेट में जीवन कौशल आता है, एक तरह से ये साइकोलॉजी का ही पार्ट है। यानी जब हम यूपी में सुपर टेट में पढ़ते हैं तो वहां पर एक सब्जेक्ट आती है जीवन कौशल, जिसमें हमने अनुशासन प्रशासन अध्यापक उसको रखा है, वो विद्यालय प्रबंधन ने यहां पर रख दिया। उसके बाद आरटी, अब आरटी 2009 में आपको इतना ध्यान रखना है कि यहां पर आपको आयोग पढ़ने हैं। अब आयोग कौन कौन से दोस्तों, तो आपको 1835 से लेकर 2020 तक के रखने हैं। यानी आरटी 2009 और एनईपी 2020 राजस्थान के परिदृश्य से हमें पढ़ने हैं, लेकिन 2009 तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि आयोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पूरे आयोग को उन्होंने यहां पर रख दिया है और दो का नाम दे दिया। फिर उसने राजस्थान के समसामयिक घटना करंट अफेयर भी रख दिया कि राजस्थान के बारे में क्या हो रहा। सेकेंड यूनिट यहां पर साइकोलॉजी भी है और राजस्थान भी है, राजस्थान की जीके जीएस भी है। और कितने नंबर की रख रहा है, 80 नंबर की रख रहा है। कुल प्रश्न कितने आ रहे, 40। टोटल अंक कितने, 80, क्योंकि एक प्रश्न दो अंक का है। अब तीसरी यूनिट आती है, तो तीसरी यूनिट में उन्होंने विद्यालय रखे यानी सब्जेक्ट रखे। सब्जेक्ट कौन कौन से रखे, 5 रखे। हिंदी आएगी ग्रामर 10 नंबर की, अंग्रेजी ग्रामर 10 नंबर की, गणित जो 1-5 वाला, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1-5। यानी ये जो 5 सब्जेक्ट हैं आपको 1-5 लेवल से प्राथमिक स्तर पर जो हम पढ़ते हैं उनको ध्यान में रखकर पढ़ना है। अगर आपसे ये पूछे थर्ड यूनिट जो कितने नंबर की आ रही है, 50 की, यानी 10, 10, 10 और 10, 10 नंबर की ग्रामर, 10 नंबर की हिंदी की और 10 नंबर की अंग्रेजी, 10 का मैथ, 10 का विज्ञान और 10 का एसएसटी, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल ईयर 1-5 में एक ही बुक आती है। फिर उसके बाद जो चौथी यूनिट जो उन्होंने रखी है वो रखा है शैक्षणिक पैडागोजी यानी एजुकेशनल पैडागोजी। अब ये उन्होंने कितनी रखी है, 40 नंबर की। जो ऊपर मैंने आपको सब्जेक्ट लिखाए उनकी इन्होंने पैडागोजी रख दी, यहाँ पर 10-10 नंबर की रखे हैं ग्रामर और 10-10, 8-8 नंबर की इन्होंने रख दी इनकी पैडागोजी। अगर हिंदी आएगी तो 10 नंबर की हिंदी आएगी और उसकी 8 नंबर की पैडागोजी, यानी यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे। यानी अगर हिंदी के वो 10 नंबर पूछेगा तो कितने प्रश्न पूछेगा, 5। अगर अंग्रेजी के 10 नंबर पूछेगा तो यहाँ पर, यानी यहाँ पर प्रत्येक अंक अगर ये पूछे प्रश्न कितने आ रहे हैं तो 5 प्रश्न कितने आ रहे हैं, 5 प्रश्न कितने आ रहे हैं, 5 प्रश्न कितने आ रहे हैं, 5। यानी प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंक का है, तो 5 × 2 = 10। तो इस तरह से हमें अंक टोटल कितने मिलने हैं, 50 मिलने हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कितने मिलने तो इसके आधे कर लेना, 25 मिलने। और हिंदी से कितने मिलेंगे, 5 क्वेश्चन कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर। उसके चौथी यूनिट उन्होंने 40 नंबर की रखी है, जिसमें उन्होंने जो ऊपर मैंने विद्यालय सब्जेक्ट लिखा है उनकी वो पैडागोजी पूछ रहा है। हिंदी की पैडागोजी पूछेगा 8 नंबर की, इंग्लिश की पैडागोजी पूछेगा 8 नंबर की, गणित की पैडागोजी पूछेगा 8 नंबर की, विज्ञान की पैडागोजी पूछेगा 8 नंबर की और सामाजिक विज्ञान की पैडागोजी पूछेगा 8 नंबर की। क्लियर दोस्तों, अब चलते हैं यूनिट 5 पर। अब यूनिट 5 कौन सी होती है दोस्तों, वो शैक्षिक मनोविज्ञान यानी पूर्ण रूप से साइकोलॉजी रखी है। अब उन्होंने कितने नंबर की साइकोलॉजी रखी है, वो हमारी उन्होंने 20 नंबर की साइकोलॉजी है, यानी 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें उन्होंने बहुत सारा सिलेबस रख दिया है। मनोविज्ञान का परिचय भी रख दिया है, मनोविज्ञान का क्षेत्र भी रख दिया, मनोविज्ञान का विशेषता भी रख दी है। उसके बाद बाल विकास रखा है, बाल विकास की अवस्था लिखी है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखे और बाल विकास के सिद्धांत भी लिखे जो पूरा डीपली पढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने वंशानुक्रम वातावरण लिख दिया, वंशानुक्रम वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक लिख दिए। फिर उसके बाद पर्सनैलिटी उन्होंने रखी, पर्सनैलिटी में उन्होंने आईबीटी टीएटी सीएटी और ये वाला डब्ल्यूटी वाला रख दिया। उसके बाद उन्होंने रखा है सीखना और अधिगम। अब सीखना अधिगम जो बातें की होती है, सीखने की परिभाषा रखी है, सीखने के सिद्धांत रखे हैं, सीखने के वक्र रखे, सीखने का स्थानांतरण रखा है और सीखने की अक्षमता रखी है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद जस्ट उन्होंने रखा है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक में आपको मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक और समस्यात्मक अपर बाल अपराध बालक, अंधे बालक और विकलांग बालक, ये सारे हमें किसमें पढ़ने हैं इसमें। फिर उसके जस्ट बाद उन्होंने रखा है क्रिएटिविटी और मोटिवेशन, सृजनात्मकता पढ़नी है, सृजनात्मकता के चिंतन पढ़ने, प्रश्न के प्रकार पढ़ने, ये सब किसमें रखा है उन्होंने, इसमें रखा है। उसके जस्ट बाद आता है दोस्तों सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी, अब आपने देखा होगा यूपी में जो सुपर टेट होता है तो उसमें एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है सूचना तकनीक, जो 5 नंबर की होती है। इसमें उन्होंने रखा है तकनीकी का अर्थ उपागम। उपागम कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम एनालिसिस, जनसंचार माध्यम, संप्रेषण। जनसंचार माध्यम कौन कौन से होते हैं, जैसे हुआ रेडियो हुआ, टीवी हुआ और मोबाइल हुआ, ग्रामोफोन हुआ, एजुसेट हुआ, लिग्वाफोन हुआ, एपिडास्कोप हुआ, बुलेटिन बोर्ड हुआ, ये सारे उन्होंने किस में रखे, इसमें रखे। ये जो दोस्तों ऑल ओवर है ये हमारा 1-5 वाला है,
यानी एक से लेके पाँच, यानी वन जो लेवल वन है उसमें उन्होंने वेकेंसी कितनी दी है हमारी 21,000, प्रश्न कितने दे रहा है 150, समय कितना दे रहा है 2.5 घंटे, नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/3 की है, कुल जो मार्किंग होगी वो 300 की होगी, यानी प्रत्येक अंक 2 अंक का होगा, यूनिट पूछे कितनी है 6 है, वन यूनिट जो आ रही है वो 100 नंबर की आ रही है, दूसरी यूनिट जो आ रही है दोस्तों 80 नंबर की आ रही है, तीसरी यूनिट जो आ रही है 50 नंबर की आ रही है, चौथी यूनिट जो आ रही है 240 नंबर की आ रही है, फिफ्थ यूनिट आ रही है वो 20 नंबर की आ रही है, और सिक्स यूनिट जो आ रही है वो 10 नंबर की आ रही है। ऑल ओवर अगर देखा जाए 100, 180, 230, 270, 290 और 300, यानी ये था 1-5 वाला। आप इसको नोट कर लीजिए और तैयारी, एक बात तो ध्यान रखना है, सबसे मुख्य बात तो आपको ये याद रखनी है, दो चीज ये याद रखनी है, अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर चला तो दिसंबर आधा दिसंबर अभी है, यानी 25 पूरी जनवरी, पूरी फरवरी और आपको आधा दिसंबर, यानी मुश्किल से आपको 2 महीने 20 दिन मिल रहे हैं आपको इस तैयारी को करने के लिए। मोस्टली सबसे ज़्यादा जो हार्ड आपको पड़ेगा दोस्तों ये वाला पड़ेगा, राजस्थान की एक बुक लेना आपको अच्छे तरीके से, पूरे राजस्थान को पढ़ लेना, उसके बाद जो ये वाली यूनिट है दोस्तों, ये वाली यूनिट है और ये वाली यूनिट है, यानी मैं आप लोग को सेकेंड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट और सिक्स यूनिट, यानी पहली यूनिट और थर्ड यूनिट को छोड़कर मैं इसकी पूरी वीडियो शूट करूंगा, यानी रीट के बल लेवल से लेकर सेकंड मतलब वहां तक मैं आपको इन सब की पैडागोजी पढ़ा दूंगा, ये पूरा पढ़ा दूंगा, विद्यालय प्रबंधन, राइट टू एजुकेशन ये वाला पढ़ा दूंगा, राजस्थान करंट आपको अपने आप से पढ़नी है, ये पूरी पैडागोजी आपको पढ़ा दूंगा, 20 नंबर का पूरा क्लियर मिलेगा और 10 नंबर का आपको पूरा क्लियर मिलेगा हमारे वाले इस चैनल पर। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, इसके फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, इसके पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन हटेगा नहीं, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी भी इस वाले चैनल पर मैं सीटेट की पैडागोजी की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं अब तक 13 वीडियो शूट कर चुका हूँ, आज मैं 14वीं वीडियो शूट करूंगा, उसके बाद फिर मैं रीट की और केबीएस की भी डालूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में शूट करते हैं जूनियर लेवल की, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर, आप इसको नोट कर लीजिए।